एपिसोड की स्टार्ट होती है और सभी को एक थिएटर में दिखाया जाता है जहाँ पे सारे स्टूडेंट होते हैं और शिनो कह रही होती है कि वो एक्साइटेड है मूवी देखने के लिए। तभी क्योया कहता है मुझे माफ़ कर देना, लास्ट टाइम पे वीडियो एडिट करते हुए सिर्फ मूवी मैंने ही देखी है, मैं किसी को दिखा नहीं पाया। तभी वो कहते हैं कि नहीं कोई बात नहीं, भले ही हम सब नर्वस हों पर हम ये मूवी देखना चाहते हैं। तभी वहाँ पे प्रोफेसर आके बोलती है कि इस मूवी को देखते हुए एक ऐसी फीलिंग से देखना जैसे कि तुम क्रिएटर हो। तुम ये मत सोचना कि तुम्हारे फ्रेंड ने बनाई है तो हंसोगे, तुम्हें एक क्रिएटर की नज़र से देखना है, अगर तुम्हें मज़ा आया तो हंसना है। तभी क्योया इस बात को लेकर सीरियस होता है और वहाँ पे क्योया की मूवी स्टार्ट होती है और क्योया को दिखाया जाता है जहाँ पे क्योया कह रहा होता है सभी से कि आखिर हम यहाँ तक आए हैं तो हम आगे भी जाएंगे। यूकी कह रहा होता है कि बताओ ज़रा हम आगे कैसे जाएंगे, ये तो एक डिजिटल कैमरा है, हम इससे फिल्म नहीं बना सकते। क्यों यह कहता है एटलीस्ट हमें कोशिश तो करनी चाहिए, हम क्रिएटर बनने जा रहे हैं, आगे जाके भी तो हमें प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी। तभी क्यों यह फ़ोन करता है एक बंदे को और उसे कहता है कि मैं तुम्हारा ग्रुप ज्वाइन कर लूँगा पर बदले में तुम्हें मेरी मदद करनी पड़ेगी, मुझे एक शूट करना है, उसे कैसे करना है तुम्हें इसके लिए मुझे आइडिया दो। और तभी अगला सीन दिखाया जाता है जहाँ पे क्यों यह कह रहा होता है कि हम इसी कैमरा से एक फिल्म बना सकते हैं, मेरे पास एक आइडिया है, हमें कम से कम इसमें से 100 क्लिक्स खींचने पड़ेंगे ताकि हम उसे मूवी की तरह इस्तेमाल कर सकें। यूकी कहता है तो क्या हम स्क्रिप्ट का काम बाद में करेंगे, पहले वीडियो बनाएंगे। चलो अच्छी बात है, इससे मेरी मिस्टेक दूर होगी तो मैं कोई तो मदद कर पाऊँगा। क्यों है शिनो से कहता है कि काम पूरा करने में शिनो मुझे तुम्हारी मदद की ज़रूरत होगी। शिनो कहती है कि हाँ ठीक है मैं तुम्हारा काम करने में तुम्हारी मदद करूँगी। क्यों है तभी ननाको से उसका कैमरा लेता है और उस कैमरे को पकड़ के क्यों है कहता है ये कैमरा मेरे लिए ठीक रहेगा। और क्यों है पीछे से बताता है कि उसने इस कैमरे को एक ट्रेन का सीन जाने के लिए ही सिर्फ इतने से सीन के लिए इस्तेमाल किया था। क्यों है कहता है कि खैर इस बारे में किसी को पता नहीं कि ये एक सिर्फ फ़ोटो खींचने वाला कैमरा है और इतनी बढ़िया वीडियो बनी है। और वहाँ पे मूवी में ओल्ड लेडी को दिखाया जाता है जो कि बुक बंद करती है, जिसके साथ ही वहाँ पे मूवी ख़त्म होती है और वहाँ पे कवा से कवा उठती है और क्लैपिंग करने लग जाती है। जिसके बाद क्यों है बताता है कि फर्स्ट पोजीशन पे शायद से कवा आई थी और थर्ड पे हम, खैर वो फर्स्ट पे आई थी वो आखिर कवा से कवा है। क्यों है काफ़ी ज़्यादा खुश होता है कि उसकी मूवी लोगों को पसंद आई और वो स्माइल करता है और यूकी से कहता है खैर मुझे माफ़ करना अगर तुम्हें ये मूवी अच्छी ना लगी हो तो। यूकी कहता है कि नहीं ये एक मास्टरपीस है, भले इसमें बैकग्राउंड से वॉइस नहीं थी, जो डायलॉग उसने लिखे थे वो नहीं बोले गए थे, पर ये एक मास्टरपीस था। इतने में क्यों यह काफ़ी हैरान होता है ये बात सुन के और उसके सामने ननाको आती है और कहती है कि उसने एक्टिंग में भले ही डायलॉग्स ना बोले हो पर वो एक कम प्रोफेशनल एक्टिंग नहीं करती, पर फिर भी उसने काफ़ी अच्छा काम किया। और दूसरी तरफ शीनो कह रही होती है कि क्यों यह तुम काफ़ी मिस्टीरियस हो, तुम अपनी बातें अपने दिल में ही छुपा के रखते हो और ऐसा करने से तुम्हारी आंखें काफ़ी अलग चमकती हैं, जो कि उसे काफ़ी ज़्यादा पसंद है। पीछे से प्रोफेसर कह रही होती है कि मुझे थिएटर को बंद करना है, क्या तुम जाने वाले हो। तभी वो सारे बोलते हैं क्यों ऐसे कि भले ही उन्होंने इस बारी मूवी में काम ना किया हो पर अगली बारी वो बेस्ट करने की कोशिश करेंगे। तभी प्रोफेसर कहती है कि तुम्हारा अगला असाइनमेंट कुछ हफ्तों बाद होने वाला है। यूकी जाते हुए कह रहा होता है कि अगली बारी वो बहुत अच्छा कैमरा लेके आएगा। ननाको कहती है कि हाँ अगली बारी वो भी अच्छे से एक्टिंग कर पाएगी। और क्योया पीछे मुड़ के कहता है कि आगे जाके वो प्लेटिनम जनरेशन के हिस्सा बनने जा रहे हैं। कावा से कावा कह रही होती है कि तुमने आखिर उन्हें नंबर 1 क्यों किया, और वो कहती है कि नहीं उनकी नंबर 1 पोजिशन ही बनती है क्योंकि वो एक क्रिएटर की तरह सोचती है। देखो उन्होंने गलती से एक फ़ोटो कैमरा देख लिया था। कावा से कावा ये बात सुन के हैरान होती है और वो कहती है कि और क्योया ने उनकी फिर भी हेल्प की, एक प्रोड्यूसर के तौर पे उसने काफ़ी अच्छा रोल अपना पूरा किया जिस वजह से मुझे लगता है कि उनकी टीम काफ़ी अच्छे से काम करेगी। मैं तो चाहती हूँ कि सेकंड असाइनमेंट में भी तुम उनके साथ काम करो। कावा से कावा शर्मा जाती है, उसके बाद वो जाती है और कहती है बड़ी बहन तुम बेकार हो, और उन दोनों की फ़ोटो दिखाई जाती है जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है और ननाको कह रही होती है कि आज रात को उसे और टाइम पे भी वापस आना पड़ेगा। क्यों है ये वाली बात सुनता है
नना को कहती है क्या वो उसके साथ कैरियोके चलना चाहेगा। क्यों कहता है हाँ क्यों नहीं। और उसके बाद क्यों है वो आता है कैरियोके में, जहाँ पे नना को अपना गाना पसंद कर रही होती है और कहती है कि वैसे वो गाने में ज़्यादा बेहतर है नहीं। और उसके बाद वो गाना गाने लग जाती है, वो केंशन रूसेन समुराई एक्स 2 नाम है उस एनिमी के, वो उसका ओपी सॉन्ग गा रही होती है, बहुत अच्छा ओपी सॉन्ग है। और क्यों है ये वाला ओपी सॉन्ग सुन के काफ़ी ज़्यादा हैरान होता है और नना को कह रही होती है कि उसे पता है कि उसकी आवाज़ ज़्यादा अच्छी नहीं है, पर फिर भी उसने अपनी पूरी कोशिश की है। जिसके बाद नना को जब पैदल चल जा रही होती है, तभी क्यों ऐसे कहती है क्या वो उसके साथ कैरियोके में कभी कभार आ सकता है, क्योंकि आज वो नर्वस नहीं हुई थी क्योंकि क्योया उसके साथ था। क्योया कहता है क्यों ना तुम इसे इंटरनेट पे डालने लग जाओ, इसी बहाने तुम्हारी रील पे लाइक्स आ जाएंगे। जिसके बाद नना को काफ़ी ज़्यादा शर्मा जाती है और क्योया के पास आके कहती है तुम्हें क्या लगता है कि मैं लोगों को एडवांटेज देना काफ़ी ज़्यादा पसंद करती हूँ। नहीं, मैं ऐसी चीज़ें पसंद नहीं करती। जिसके बाद क्योया कहता है कि तुम उसे कंट्री से बाहर जाने ही मत देना, उस वीडियो को कंट्री सिलेक्ट कर देना, वो उस कंट्री से बाहर जाएगी ही नहीं। नना को कहती है क्या ऐसा भी हो सकता है। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है जहाँ पे वो एक क्लब पे बैठे हुए होते हैं और सारे सेलिब्रेट कर रहे होते हैं। तभी वो कहता है कि मेरा नाम ताकाशी किरी है, तुम याद रख लेना, मैं इसका बार बार नाम नहीं बोलूँगा पर किरी बोलूँगा इसे, क्योंकि किरी ज़्यादा अच्छा लग रहा है। वो बताता है कि वो 5 साल से फोटोग्राफर का कोर्स कर रहा है और वो शुक्रिया करता है क्योया को, क्योंकि उसकी वजह से उसका सर्कल बच गया डूबने से। क्योया कहता है शुक्रिया की क्या बात है इसमें। और फिर हमें एक लड़की को दिखाया जाता है जो कि अपना नाम योरिका या हमें बताती है, और एक बंदे को दिखाया जाता है जो कि गाना गा रहा होता है और वो कहती है कि उसकी आवाज़ काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। और फिर एक बंदे को दिखाया जाता है जो कि स्टंट कर रहा होता है एक बोतल को अपनी नाक पे रख के, और किरी उससे कह रहा होता है कि दोस्त हमारे क्लब में फन होता है, तुम करके दिखा सकते हो, मुझे पता है। जिसके बाद उसे उल्टी आती है और कुछ नहीं। सीन शिफ्ट होता है और शीनो कह रही होती है कि उनके क्लब से मिलके उसे काफ़ी अच्छा लगा। क्योया भी कह रहा होता है कि हाँ उसे भी काफ़ी अच्छा लगा। तभी शीनो उससे मुड़ के कहती है कि उस दिन उसने क्योया ने उसे ड्रॉ करते हुए देखा था ना। क्योया से वो कहती है यार वो ही ज़्यादा केयरफुल नहीं थी कि उसने डोर बंद नहीं किया। शीनो कहती है कि उस दिन क्योया कह रहा था ना कि वो अपने सपनों को लेके काफ़ी ज़्यादा परेशान है, पर शीनो को भी लगता है कि वो कुछ नहीं कर सकती, पर क्योया की आंखों में वो जो चमक दिखती है उसे देख के उसे लगता है कि और लोग बेहतर कर सकते हैं पर वो नहीं कर पाएगी। तभी क्योया कहता है कि नहीं तुम एक बेस्ट आर्टिस्ट हो, मुझे पता है। क्योया उसके फ्यूचर को देखते हुए कहता है कि नहीं तुम हो, मुझे पसंद हो। तभी शीनो कहती है क्या उसे ऐसा लगता है कि वो बेस्ट आर्टिस्ट बन सकती है। क्योया कहता है कि हाँ वो बन सकती है। और तभी शीनो कहती है क्योया तुम्हारा आखिर सपना क्या है। क्योया कहता है मेरा जो सपना है मैं किसी को बताना नहीं चाहता। तभी शीनो कहती है इसी वजह से तो तुम मिस्टीरियस हो। क्योया तभी कहता है अगर तुमने फ्यूचर में मेरे से पूछा होता कि मुझे बनना क्या है मैं तभी आर्टिस्ट बन गया होता, पर खैर अब मेरे को दोबारा मौका मिला है, मैं इस मौके को खोऊंगा नहीं। और यहीं पे एपिसोड का एंड होता है। वीडियो देख के मज़ा आया हो तो नीचे लाइक का बटन होगा उसे दबा देना, और चैनल पे नए आए हो तो सब्सक्राइब करे बिना मत जाना। खैर जानबूझ के नहीं पर सभी कहते हैं तो कह दिया, तो मैं चलता हूँ, बाय बाय।